अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ईरानी चिकन कबाब चीज़ी बनाना बताऊंगी। हमें ये एक चिकन का पीस लेना है, इसकी हम पीस बनाएंगे। उस पीस का हमने ऐसे स्लाइस कर दिए हैं और जो बचा हुआ जो चिकन था उसे हमने ऐसे निकाल दिया है। ये एक ही हमने लिया था सीने का पीस, जिसमें हमने ये किया। अब हम इसका कीमा करेंगे। डालेंगे लहसुन जो आधे से भी कम है और थोड़ा सी अदरक, और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इस पे डालेंगे हल्दी एक चपटी। अब हमें इसे कीमा बनाना है मिक्सर में डाल के। थोड़ा सी ऑयल और डालेंगे बटर। फिर हम डालेंगे उसमें ये कीमा। कीमा डाल के हम इसे थोड़ा पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पेपर पाउडर और हरी मिर्ची और कोथमीर, और कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स काटे हैं जिसमें है किशमिश, बादाम और काजू, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और एक चपटी गरम मसाला पाउडर। फिर हम इसे उतार लेंगे। दो चम्मच दही लेंगे हम। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सी अदरक पेस्ट, ये लहसुन पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, हल्दी, थोड़ा सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस पे डालेंगे फूड कलर थोड़ा सी, चाट मसाला। और लेंगे क्रीम 2 स्पून और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सी, ये हमारा मैरिनेशन तैयार हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हम लेंगे चिकन का पीस, फिर हम उस पे डालेंगे ये चीज स्लाइस और उस पे डालेंगे ये कीमा। और डालेंगे चिकन का कीमा और हम इसे बनाएंगे रोल। इस तरह से हम इसे करेंगे फोल्ड।
इस तरह से हम सभी पीस को कर देंगे। कोई भी एक जाली रखेंगे, अगर आपके पास में ओवन है तो आप ओवन में भी कर सकते हो, लेकिन हर किसी के पास में ओवन नहीं होता है। इसके लिए मैं गैस पे करने का आपको बता रही हूँ। इस तरह से हम इसे थोड़ा इस तरह से हमें इसे गरम कर लेना है, पलटा पलटा के करना है। ये हो गया, इसे खोलना है। इसे सभी को खोल देंगे इसे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, फिर ठंडा होने के बाद में हम तंदूरी मसाले में मैरिनेट करेंगे। इस मसाले में मैरिनेट करेंगे हम, डालेंगे इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी और ये चिकन के पीस जो है उसे हम इसमें मैरिनेट करेंगे। हम इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे इसमें। मैंने ये कबाब मेरे हस्बैंड के साथ होटल में खाई थी, हमें बहुत पसंद आई थी, तो मैंने चाहा कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ इस डिश को। आप लोग ज़रूर बनाना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। अब हम इसे पलटाएंगे, देखो कितना खूबसूरत कलर इस पे आया है। फिर हम पलटा के हम इसे थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे ढक के रखेंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए। देखिए अब ये हो गया है तैयार। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम थोड़ा चीज स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा चीज डालेंगे। अब हम आपको, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।